जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हिंदी जो होती है ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपके यहाँ से हिंदी और जो सेकेंड लैंग्वेज होती है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश है या हिंदी है, 30 अगर वहाँ से आते हैं तो ये 60 नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि बाल विकास में कभी पूरे बहुत ही कम लोगों के आते हैं। तो यहाँ से अगर 25 भी आते हैं और मैथ में 28 के समथिंग आते हैं, और इसके अलावा अगर मान लीजिए मैथ में आपके 25 भी आते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे चार विषय के कितने हो गए, 110 हो गए। और बाकी के एक विषय बचा, मान लीजिए 20 नंबर भी लेके आते हैं आप, तो आपका टोटल स्कोर जैसे कि पर्यावरण है तो आपका 130, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सेकंड लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे करते हैं इसको वीडियो को, तो लास्ट तक देखना है, आपको स्कोर कार्ड शेयर करना है। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन कर दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ से पहले हम लोग पढ़ेंगे गद्य, इसको पूरा रीड करना है, उससे आंसर देंगे। तो देखिए धीरे धीरे, तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पैराग्राफ है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, सुख की व्यवस्था व्याख्या बदल गई है, उपभोग भूल ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, उत्पाद जो आपके लिए पर आप पर भूले जाते हैं जाने अनजाने, आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो आगे जो पैराग्राफ है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपके लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है, वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं और किसी का पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से बना है, जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार रंग बनावट पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक, मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, सूची और लंबी हो सकती है पर इतनी ही चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापति और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करें, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है, यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन है, चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। तो देखिए सीधा कहा गया कि जो आज है, जो वर्तमान में जो बदल गया है कि चाहे टूथपेस्ट देखो, कई तरीके से कंपनियां बेवकूफ़ बना के बेचती हैं, इसी तरीके से साबुन की बात कही गई। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट,
उपयोग गद्यांश को नीचे। इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं? चरित्र और उत्पाद, प्रेम स्नेह, सौंदर्य और सुख, जीवन शैली और सुख। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, चरित्र और उत्पाद आपका बदल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला, उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है? माउथ वॉश, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट, टूथ वॉश। टूथ, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, टूथ जो पेस्ट है जो कहा गया था पूर्ण सुरक्षा, टूथपेस्ट देता है, तो आंसर हो जाएगा जो कि थर्ड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ से यदि टूथपेस्ट अच्छा हो तो और क्या अच्छा होना चाहिए? फेस वॉश, शैम्पू, टूथब्रश, माउथ ब्रश। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा, टूथब्रश जो कि दांतों का करने का जो कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर है अगला, किसी 21 वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमत की चीजें होती हैं? संभ्रांत 30,000, मध्य वर्ग 10,000, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग सस्ते, तो आंसर क्या हो जाएगा, संभ्रांत और 30,000, तो आंसर जो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है अगला, जिसमें ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत और मान्य वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया जाता है? माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में, सौंदर्य प्रसाधन में, मौडी। तो आंसर यहां से जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, टूथपेस्ट में जो कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का, तो आंसर हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन है, किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है? दुकानदारों की, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य प्रसाधनों की, विज्ञापनों की। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सौंदर्य प्रसाधनों की। अगला क्वेश्चन है, आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या है? सौंदर्य प्रसाधन इनमें से कोई नहीं, तेल, साबुन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सौंदर्य प्रसाधन। अच्छा, यहां से जो कहा गया बनावट, पहुंच, सफाई की क्षमता में अलग है, ये शब्द अलग थोड़ा सा जुड़ने के कारण इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ खरीदते समय आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते? कम कीमत, बहु विज्ञाप्ति और कीमती ब्रांड, मजबूत सामान, टिकाऊ सामान, तो बहु विज्ञाप्ति और कीमती ब्रांड। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा उत्पाद आपको दिन भर तरोताज़ा रखने का दावा? शैम्पू, तेल, साबुन, तो कहा गया था जो एड में साबुन। अगला क्वेश्चन है, बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है? लोगों से, खाद्य सामग्रियों, सुख, विलासिता की सामग्रियों से, तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा, विलासिता की सामग्रियों से। तो फ्रेंड्स, वीडियो सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला है, उत्पादकों की भीड़ में क्या समस्या आती है? देखने में, गुणवत्ता में, सही उत्पाद चुनने में, विज्ञापन में। तो उत्पादकों की भीड़ में जो समस्या आती है वो क्या होती है, सही उत्पादन चुनने में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, बबूल नीम के गुणों से भरपूर उत्पाद क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, तेल, इनमें से कोई नहीं, साबुन, तो आंसर यहां से जो हो जाएगा आपका करेक्ट। समझ गए होंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टूथपेस्ट की बात कही गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य किस उत्पाद के उपयोग से पता चलता है? किसी खास ब्रांड का साबुन, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, महंगे उत्पाद से या खुशबूदार तेल से, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, किसी खास ब्रांड का साबुन से। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे हो रहे बदलाव के कारण किस दर्शन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है? साम्यवाद, सुख, उपभोक्तावाद और यहां से दुखवाद, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्तावाद का, यानी कि जो खरीदने वालों का। अगला क्वेश्चन है, उपभोग बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई? उपभोग की, दुख की, सुख की, उत्पाद की, तो आंसर यहां से जो हो जाएगा, किसकी बढ़ गई है, सुख की बदल गई है, तो याद रखना है सुख की। तो देखिए, ये है आपका पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं, यानी कि ये पद है, कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे ही वही उसकी अंतिम पूजा हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी,
अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे में मत रिझाना, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात है, ये लड़की के ऊपर पूरा पैराग्राफ कहा गया है। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती है? बहू, महिला, पत्नी, पराई। तो आंसर यहां से जो हो जाएगा, क्या हो जाती है? पराई। तो इसका जो मतलब था, क्या हो जाती है? पराई। तो अगला जो क्वेश्चन है, जाते जाते माँ अपनी बेटी को क्या दे रही? नसीहत, कपड़े, गहने, सामान। तो आंसर याद रखना है, क्या दे रही हैं? नसीहत दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है, उसे दुख बाँचना नहीं आता था, तब वह किसकी पाठका थी? उपयुक्त सभी की, केवल कुछ तुकों की, केवल कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, केवल धुंधले प्रकाश की। तो उसे दुख बाँचना नहीं आता था, वह किसकी पाठका थी? तो याद रखना है, उपयुक्त सभी की थी। तो याद रखना है यहाँ से, तुकों, लयबद्ध पंक्तियों, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर अगला है, लड़की की माँ के अनुसार आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, लेकिन किस काम के लिए नहीं है? विकास के लिए, जलने के लिए, जलाने के लिए, विनाश के लिए। तो याद रखना है, किसके लिए? जलने के लिए नहीं है। तो याद रखना, आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 20, लड़कियों पर हमेशा किस चीज़ का खतरा? हमेशा मानसिक उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, आर्थिक या यौन अत्याचार। तो याद रखना है, यौन अत्याचार। तो फ्रेंड्स, ये सारे थे 20 क्वेश्चन, आपको PDF मिली जाएगी। तो सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्त फ्रेंड को, और अपना स्कोर कार्ड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।